संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रत्यय को जानने का प्रयास कर रहे हैं हम, छोटी सी शुरुआत है और विस्तृत में नहीं जान रहे हैं क्योंकि विस्तृत में जानने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म विधि से जानने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसी में ही पर्याप्त ज्ञान हो जाए जो कि परीक्षाओं से संबंधित है। कृदंत प्रकरण चल रहा है, कृदंत में कृत्य प्रत्यय चल रहा है, अर्थात कृत्य प्रत्यय जो होते हैं उनकी दो संज्ञाएं होती हैं, कृत संज्ञा और कृत्य संज्ञा, ये जान लिया है हमने। कृत्य संज्ञा में हमने कुछ सूत्रों को जाना था, आज हम इसमें तब्यत, तब्य, अनियर और यत ये प्रत्यय जान लिए थे। आज हम ण्यत और क्यप इन प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये लाभकारी अवश्य सिद्ध होगी, लेकिन आपको ज्ञान पुस्तकों से ही अर्जित करना पड़ेगा। यहाँ हम सहायक हो सकते हैं लेकिन पुस्तकों का पूर्ण ज्ञान वीडियो के माध्यम से बना दिया जाए ये संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम आपको समझाया जाए, इसीलिए हमारा जो प्रकरण रहता है बहुत ही बड़ा रह जाता है। कारक प्रकरण जो है हमने संपूर्ण समझाने का प्रयास किया था, एक एक सूत्र को लिया है, शायद एक आध सूत्र अपवाद हैं जो छूट गए हैं, हमने जानबूझ के छोड़े हैं कि उनका कोई भी महत्व नहीं है, ऐसे ही हो जाते हैं वो। तो संधि प्रकरण को पूरा समझाया है, ऐसे ही सारे प्रकरणों को हम संज्ञा प्रकरण को पूर्ण रूप से समझाया है और इन प्रत्ययों में आपको याद रखना है संधि और संज्ञा ये हर सूत्र में हर शब्द में प्रयोग होते हैं, इसीलिए संधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और संज्ञा का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जाकर के हमारे वीडियो अवश्य देख लें संज्ञा और संधि के, तो हम यहाँ बताते चलेंगे आपको कौन कौन से विषय में देखना है। तो आज हम कुछ सूत्रों को जानेंगे और इसमें एक या वीडियो और देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका अनुवादों में कैसे प्रयोग किया जाता है, अनुवादों को भी जानेंगे और अनुवादों को दो तीन तरीके से जानेंगे, इनके रूप बनाना सीखेंगे कि रूप किसकी किसकी तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में कैसे चलेंगे और नपुंसक में कैसे चलेंगे, भाव में क्या होता है, कर्म में कैसे होते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय के बारे में जान रहे हैं हम और कृत्य प्रत्यय में आज हम क्यप और ण्यत ये दो प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। कैलिमर उपसंख्या नाम एक वार्तिक है, उससे कैलिमर प्रत्यय होता है, वो मैंने छोड़ दिया है कि कैलिमर कैलिम ही इसमें बच, कैलिमर जो है वो एक जैसे तब्यत तब अनियर की तरह ही वो प्रयोग कर लिया जाता है और शायद ही उदाहरण में कहीं आता हो, तो कभी कभी परीक्षा में एक आध बार पूछ लिया जाता है, तो आप उसको अलग से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो का है और ये पा है ये सब इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी लस क्वा तद्धते जो संज्ञा प्रकरण में जाना था उससे इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। पा की हलंत्यम से ना की चुटु एक सूत्र है उससे और ता की फिर हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, फिर तस्य लोपः एक सूत्र के द्वारा उनका लोप हो जाएगा, बचेगा दोनों के स्थान पर या, ठीक है, और ये भी या। अब इनको पहचाना कैसे जाएगा, जब भी कभी किसी शब्द में दीर्घ में चीजें मिले, जैसे कृत्य है कृत्य में भी या है, लेकिन ये कृत्य को कार्य हो जाए तो समझना है हमको ण्यत प्रत्यय लगा हुआ है, कृत्य में याद रखना है हमको क्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी आदि वृद्धि नहीं होती। किंगति चा एक सूत्र है उससे गुण और वृद्धि को रोक दिया जाता है, सार धातु आर धातु को तो इसकी वृद्धि निश्चित थी लेकिन किंगति चा एक सूत्र है उसके द्वारा इनकी आदि वृद्धि रोक दी जाती है। तो जब भी इनकी वृद्धि मिले स्वरों में तो समझना है उसमें ण्यत प्रत्यय है, यानी जो इसमें प्रयोग किया गया है वो इसीलिए प्रयोग किया गया है कि अचों को वृद्धि करा जा सके, उसको मैं विस्तृत से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहां। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं इसको, ठीक। अब देखते हैं इसमें थोड़े से सूत्र जान लेते हैं। पहला सूत्र है इसमें एति इस्तु शास द्री व्री जशः क्यप, ठीक, इसको मैं आगे रहने देता हूं जिससे कि थोड़ा सा समझ में आ जाए, आगे जब इनको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो यहां थोड़ा सा आपको
समझ में आएगा। एति स्तु शास द्रीवरी जुषः क्यप, अर्थात इन धातुओं के साथ में क्यप प्रत्यय होता है। अचोयत जाना था हमने, तब्य तब्य अनियर जाना था, वो धातु मात्र से होता है। अचोयत अचयुक्त जो धातु हैं उनसे यत प्रत्यय होता है, तो जो सब अचयुक्त हैं। हलंत्यम रिहलोरण्यत एक सूत्र है, उसे अण्यत प्रत्यय होता है। अतः रिकारांत धातु और हलंत जो धातुएं हैं, तो हलंत है और रिकारांत भी है, ये रियुक्त रिकारांत नहीं रियुक्त, हाँ रिकारांत भी कह सकते हैं, वीरी रिकारांत ही है एक तरह से, तो वो धातुएं हैं उनसे अण्यत प्रत्यय होता है। उन सभी को अपवाद करके इसीलिए इनमें सूत्र बनाना पड़ा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है रित उपधात च अकलरपि चिरते, अर्थात रि उपधा में हो चा, मानी चा से तात्पर्य है उनसे भी के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु छोड़ करके? किलरपि और चिरते, इन दो धातुओं को छोड़ करके सभी से के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है ईचा खनहा, ये खन है, खन धातु जब भी प्रयोग किया जाएगा तो ना के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, यदि के प्रत्यय के साथ में ई आदेश हो जाएगा तब वो खेह इस तरह से बन जाएगा, खोदने योग्य। ये योग्य और चाहिए अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बारे में मैंने बताया है आपको कि एक या दो वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिससे इसको पूरा विस्तृत में समझा सकूं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा आपको। बस क्या है कि इसको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक अध्ययन करना है, क्योंकि प्रत्यय में बड़ा उलझाव रहता है, वो समझ में नहीं आते। छोटी क्लासों में कोई संभावना कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाता है, लेकिन जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो समस्या आती है। अब इसमें ही पूछ लिया जाता है तो समस्या आ जाएंगी, किसमें क्या प्रयोग किया जाता है। चौथा है व्रेयो असंज्ञायाम, ठीक है, अर्थात व्री धातु है तो उसमें असंज्ञा है, संज्ञा से हटकर के जो भी प्रयोग किया जाएगा, जैसे भृत्य नौकर है तो वो संज्ञा से प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें के प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा। अभी के प्रत्यय ही चल रहा है, आपको याद रखना है, और यदि इससे हटके प्रयोग करेंगे तो भार्या इस तरह से प्रयोग किया जाएगा, तो वो बताएंगे पूरी बातें इसमें। पांचवा है मृजे विभाषा, ठीक है, अब मृज धातु है विभाषा के अर्थ में, अर्थात के प्रत्यय तो होगा ही होगा, लेकिन विकल्प से होगा, पक्ष में तो ये रहेगा ही, अगर ये नहीं होगा तो अण्यत प्रत्यय का भी प्रयोग इसमें कर लिया जाएगा। अगला है विभाषा क्रीवृषो, यहां विभाषा शुरू में ही दे दिया है, अर्थात विकल्प से विभाषा और ये जो प्रयोग किया जाता है, विभाषा का मतलब यहाँ यही होता है कि इनका विकल्प से प्रयोग किया जा रहा है, तो के प्रत्यय जो होगा वो विकल्प से होगा क्री और वृष धातुओं के साथ में, ठीक है। सातवां है रिहलोर्ण्यत, रिकारांत अर्थात रियुक्त धातु और हलंत धातुओं में ऋत प्रत्यय होता है, ये इसका सीधा तात्पर्य है। इसमें अब हम इसको क्रम से एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा, है ना। इसमें शुरू से यहीं से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। एति जो बना है वो इण धातु है, ठीक है ना, इण में के प्रत्यय लगता है। एक एक शब्द को मैं समझाता चलूंगा, और दो चार शब्द ऐसे हैं थोड़े से कठिन से होंगे, तो उनको पूर्ण रूप से सिद्ध करने का भी यहाँ प्रयास करूंगा। आपको बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और एक दो बार इसको देखना है पुस्तक के साथ, पुस्तक भी आपको पढ़नी है। एति शिशु एति इस्तु शास वृद्री, देखिए थोड़ा सा यहाँ अंतर है, वृद्री जुषः क्यप है, ठीक। तो इण जो है वो धातु है और इण गतौ
इस तरह से है धातु जाने की, जाने के संबंध में है। तो इसमें क्या प्रत्यय लगेगा, तो इण का जो अणा है वो एक सूत्र होता है हलंत्यम, आपको याद रखना है, बार बार याद रखना है, संज्ञा प्रकरण को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो ये बचेगा हमारे पास ई, हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी, तत्सलोपा से उसका लोप हो जाएगा। अब बचा हमारे पास के और पा, इसको लश्क्वा तद्धते, मैंने ऊपर ही बताया था उससे का की संज्ञा हो जाएगी और तत्सलोपा से उसका लोप हो जाएगा, पा की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और उससे तत्सलोपा से उसका लोप हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास या। अब ये जो प्रयोग बनेगा इसमें एक सूत्र लग जाता है ह्रस्व, ह्रस्वस्य तिति कृति तुंक, याद रखना थोड़ा सा तुंक ये है ह्रस्वस्व तिति कृति तुंक, अर्थात जब भी ह्रस्व इकार वगैरह जो होते हैं उनके स्थान पर उनके मध्य में तुक का आगमन हो जाता है, कब होता है, पिति और कृति, ये कह रहा है प्रति कृति तुक, अर्थात पा जिनका इत संज्ञक हो, अर्थात इत हुआ हो, तो यहां पर पा इत है इसलिए यहां पर सीधे प्रयोग कर लिया जाएगा किसका, तुक का। अब तुक में जो प्रयोग है वो का हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और वो लोप हो जाएगा, उपदेशे अजननास का इत से इसकी ऊ की और जो चंद्रबिंदु है इसको बोलते हैं अनुस्वार, तो उसका भी लोप हो जाएगा, अनुनासिक बोलते हैं इसको। तो बचेगा हमारे पास ता, ठीक है, विस्तृत में जा रहा हूं थोड़ा सा, आप थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तो हमारे से जो पास तू ता बचेगा वो मध्य में आएगा, याद रखना है कि मध्य में से मतलब होता है धातु के साथ वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ई और ये त और ये या, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा, तो बन जाएगा ये इत्य। अब इत्य जब बन जाएगा तो कृत तद्धित समासास्य हमने सूत्र पढ़ा था उससे इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी, सु औ जस अम औष्टाभ्यामेश, इसके द्वारा इसमें सुप्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा और सुप्रत्यय प्रयोग करने पर फिर वही उपदेश अविनाश का से इत हो जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास सा। एक सिद्धि बता रहा हूं फिर आपको जैसे तैसे होगा, वो सा प्रयोग होने पर इसकी विसर्जन से जो शुरू हो जाता है फिर रावजता है खरवसान विसर्जन से उसको विसर्ग हो जाता है और बन जाता है ये इत्य। ये मैंने जल्दी जल्दी ही बताया है, बस ये आपको याद रखना है इसका इत्य प्रयोग ऐसे होता है, ठीक। तो ये पहला प्रयोग मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको, उम्मीद है सही समझ में आ गया होगा। दूसरा है ऐसे ही स्तुत्य, स्तु है क्यप है, इसका प्रयोग हो जाएगा स्तुत्य, आपको ध्यान रखना है, ऐसे शास है इसको थोड़ा जान लें, शास में क्या होता है, शास धन क्या प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा तो शास या बचेगा, हमें इसमें या को अब ध्यान रखना है कि कैसे हुआ है, आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा मुझे। अब इसमें एक सूत्र लगता है इसमें, शाश इदं हलो, इस तरह से एक सूत्र है। तो ये सूत्र कहता है कि शास शब्द के बाद में यदि इत हो जाता है, यदि अंग या हलादि कित या णित प्रत्यंत जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाएं, प्रत्यंत प्रत्यय प्रयोग किए जाएं, कित हो और णित हो या अंग हो, ऐसे युक्त जो प्रत्यय हैं उनके शास के स्थान पर इत आदेश हो जाता है। तो इत का क्या बचता है, जो इत है उसमें से ता हट जाएगा हलंत्यम से, ई बचेगा। तो शास के स्थान पर नहीं, याद रखना है शास के उपधा के स्थान पर
अब उपधा क्या है, उपधा को जानना पड़ेगा। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, अलो में जो अंतिम है उससे पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो शास में सा अंतिम है, अल है, अल में स्वर व्यंजन दोनों आ जाते हैं, उससे पहले क्या है आ है, इसका वही उपधा माना जाएगा और उसमें उसके स्थान पर ई आदेश हो जाता है, जो बन जाएगा शिष। ठीक है, अब शिष बन जाएगा तो शासी वसी घसीनाम चा, एक सूत्र है शासी वसी घसीनाम चा, उससे क्या होगा ये जो सा है सा के स्थान पर शाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा शिष दन या। इस तरह से प्रयोग होने पर पूरा बन जाएगा ये शिष्य, मैंने पूरा लिख दिया एकदम शिष्य होगा, फिर विसर्ग वगैरह जो प्रयोग किए जाएंगे, फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, फिर सुआदेश होगा, ऐसे करके पूरा बनेगा शिष्य। आपको याद रखना है शास में, याद रखना है शास इदं हलो से इत का आगमन हो जाता है, शास वसी घसीनाम चा से सा के स्थान पर शाह हो जाता है और वो शिष्य के रूप में परिणति हो जाती है। शास का मतलब होता है जिसको विद्या दी जाने योग्य हो, जो विद्या दी जाने योग्य है, जिसको विद्या दी जानी चाहिए या जिस पर शासन करने किया जाना चाहिए, ऐसे करके ये प्रयोग किया जाता है। तो शिष्य का तात्पर्य है जो विद्या को ग्रहण करने योग्य हो। ठीक है, इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाता है। व्री व्री में सीरे हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे, वृत्त्यः प्रयोग बन जाएगा। द्री द्री में क्या होता है, जब भी ये प्रयोग किया जाता है तो उसमें आ उपसर्ग लग जाता है तो आदृत्य हो जाता है। और जुष जुष में या मैं सीधे लिया लिख रहा हूं, इसमें हरंतम जो वगैरह कैसे हुए हैं वो मैंने 2-3 बार बता दिए हैं, तो ये जुष्य हो जाएगा। इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये पूरी व्यवस्था हमने के प्रत्यांत से देख ली है। ठीक है, अब हम अगले वाले पे इस पर थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, रिद उपधा अर्थात उपधा में री हो तो उससे भी क्या प्रत्यय होता है क्लृपि और चृत्य धातु को छोड़ करके। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें देख लेते हैं, दृशी धातु को ले लो, इसमें यदि क्या प्रत्यय लगाएंगे तो ये दृश्य बचेगा पूरा ज्यों की त्यों, और ये बचेगा हमारे पास या, क्या बन जाएगा दृश्य। ठीक है, ऐसे एक कृष शब्द है या लगा इसमें सीधे बन जाएगा ये कृष्य। इनके उपधा में क्री द्री ये री है, अर्थात री उपधा में है इनके, इसलिए इनसे सीधे क्य प्रत्यय हो रहा है और इनके रूप सीधे बन जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें और कुछ समझाने को यह है ही नहीं। अब जैसे ईजे खन है, ईचा खन हा, तो खन है, खन में क्य प्रत्यय होगा तो ख ई और या, तो ये बन जाएगा खे हा, क्यों इसमें संधि हो जाएगी, वृद्धि हुई दीर्घ हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा गुण। व्रीव असंज्ञाम है तो व्री है धातु है और इसमें या है तो सीधा इसमें व्री धन या बराबर वृत्त, इस तरह से ये वृत्त का प्रयोग किया जाएगा। अब ये वृत्त कैसे बना वो मैं पहले इत में बता चुका हूं, आपको उसी की तरह इसमें भी जानना चाहिए। ये यहां पर मृजे विभाषा है, इसमें जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, इसमें कुछ समझाने योग्य नहीं है चीजें। मृज विभाषा है तो मृज धातु है, मृज विभाषा में क्य प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, तो विभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, विकल्प से अनेत भी होगा, अनेत होगा तो थोड़ा सा समझाऊंगा इसको मैं, तो सीधे इसमें
बन जाएगा, वो मृज्यः बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विभाषा क्री व्री विषयों है, तो क्री शब्द है और या है, तो इसका फिर कृत्यः हो जाएगा। आगे है वृष, वृष धातु और या इसका क्यप का ही जानना है यहाँ पर, अभी मैं अनेत नहीं समझा रहा हूँ, मत गलती से अनेत जान लें, क्यप का ही है सीधे, तो ये वृष्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा वृद्धि तो प्राप्त थी, लेकिन किंती चा किंग मतलब क जिसका इत हो, ऐसी प्रत्यांत प्रत्यय से युक्त धातुओं में वृद्धि को निषेध कर दिया गया, तो क इसमें इत है किंतीचा सूत्र के द्वारा, इसलिए यहां पर वृद्धि नहीं हो पा रही है, गुण वृद्धि निषेध कर दी गई है। सूत्र सीधे चलते हैं ना, अष्टाध्याय की वृद्धि रादैच अनेगुणा एक गुण वृद्धि ना धातु लोप आर्धातु के किंतीचा, ये आता है दीदी बीबीटा महलोत्रा सिंह मुखनाश का वचन नाश का, ये पूरा ऐसे क्रम से चलता है। तो अगर हमने क्रम से अष्टाध्याय का अध्ययन किया होता या करें कभी भविष्य में, तो ये सारे ज्ञान अर्जित होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पूरी व्यवस्था है और इसमें कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा आपको पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत, पहले इसको देख लेते हैं। अब मैंने यहां तक आपको समझा दिया है, सीधे सीधे इसमें प्रयोग करते चले जाएंगे, जो ह्रस्व मिल जाए वहां पर सीधे उसमें कुछ ना हो, जैसे वृष है सकारवाद में है तो इसमें शाही रहेगा, अगर इसमें क्रिय है लेकिन इसमें क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ह्रस्व पिति कृति तुम से इसमें तुकागम हो जाएगा, कृत्य बन जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा रिहलोर नियत को जान लेते हैं। ये दोनों धातुएं इसमें भी प्रयोग की जाएंगी, पहले उसमें जो बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। एक क्री है अनित है, ठीक है, इसमें जो क्री है और ये अनित में चुटू से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, हलंतन से इतागी से हो जाएगी, बच्चा का हमारे पास या। अब इसके बाद में थोड़ी सी प्रयोग किए जाएंगे, सूत्र है अचो ईणति, ध्यान रखना है हमको अचो ईणति, इसका तात्पर्य क्या होता है, अच इत और अनित, अर्थात इत और अनित युक्त धातुएं प्रत्येक जिन धातुओं के अंत में हो, इत इत मतलब ई जिनका इत हो, अनित मतलब नई जिनका इत हो, ऐसे प्रत्यांत ऐसे प्रत्यय जिन धातुओं के अंत में हों, जिन धातुओं से लगाए जा रहे हों, उन धातु से आए हुए अचों को वृद्धि हो जाती है, किससे हो जाती है, अच से वृद्धि हो जाती है। तो यहां याद रखना हमको, इस सूत्र से वृद्धि हो रही है, अचो यणिति कभी ये आ जाए तो हमको याद रखना है। तो क्रे काम है हमारे पास पता है कि रि होता है और या होता है, री को जब वृद्धि होगी तो अर हो जाता है, और उण रपरहा एक सूत्र है उससे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर धन या, पूरा यहां यूज करेंगे तो बन जाएगा कार धन या, और ये बन जाएगा कार्य कार्य। अब इसमें सूत्र प्रयोग किए जाएंगे, कृतद्धित समासा से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुव्यय से उसको सुआदेश हो जाएगा, अतो अम एक सूत्र होता है सु को उसको अमादेश हो जाएगा, अमी पूर्वई पूर्वः या पूर्वई से उसका उसको लिप्त हो जाता है, तो बन जाता है ये कार्यम। बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, थोड़ी बात समझते चलना है। अचुयणिति से ही इसको वृद्धि आदेश होगा, और उणरप्रहा जानते होंगे जब भी संधि गुण या वृद्धि होती है तो उणरप्रहा उसमें प्रयोग किया जाता है, तो क्री है उसको आर जो आदेश हुआ है रिको वो उणरप्रहा से हुआ है। आप संधियों का भी अध्ययन करते चलें, संधियों का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, इस तरह से ये क्री को कार्य बना। हमने उसमें जाना था क्री जो शब्द बना था, इस कहीं देखा था हमने, उसमें कृत्य का प्रयोग किया गया था ना, ये वाला विभाषा क्री वृषो, इसमें कृत्य का प्रयोग किया गया था, कौन सा सूत्र लगने पर, क्या प्रत्यय लगने पर, तो उम्मीद है ये नित्य और कृत्य दोनों के रूप में आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक उदाहरण और देखेंगे हम,
एक एक उदाहरण देने का मैं प्रयास कर रहा हूं मैं। अब हमने ऋकारांत युक्त धातु तो देख ली, एक और देख लेते हैं, है ना, मृज धातु को देख लेते हैं। ये भी विकल्प से ही प्रयोग की जा रही है, ऋकारांत धातु नहीं है हालांकि ये, लेकिन मृज इसको विभाषा में, इसलिए मैं इणेत के साथ में इसको भी समझा दे रहा हूं, आप इसी तरह से इसको जाना, सब में ही वृद्धि का प्रयोग किया जाएगा, इसमें अणत प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे हम। ऋण्यत जब बचेगा ये तो मृज धन या बचेगा, और इसमें एक सूत्र लगता है चुजो को भिण्य तो, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे तो बात आपको समझ में आती चली जाएंगे। और यह है चा और यह है जा, ठीक है, इसके स्थान पर कु हो जाता है यदि घित और नियत ये परे हो तो। घित से तात्पर्य क्या है, घानी समझ में आ रहा होगा थोड़ा समझ में सही से, घा जिनका इत हो और नियत प्रत्यय तो हम जान ही रहे हैं, यदि ऐसे प्रत्यय प्रयोग किए जाएं तो चा और जा के स्थान पर कु हो जाता है। और कु क्या होता है हमने जानते, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। कु चोटो तो पु, ये उदित जाने थे, उदित का तात्पर्य होता है अपने में ये वर्ग समेटे होते हैं, कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से तवर्ग, टवर्ग, तू से तवर्ग, पु से पवर्ग, तो पूरा कवर्ग हो जाता है। लेकिन चा के स्थान पर क्योंकि प्रथम है तो चा के स्थान पर का होगा, जा है का चा छा जा, तीसरा है तो का खा गा होगा, तो जा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये मृज है, जा के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी, क्योंकि अब नियंत है। तो हमने अभी इससे पहले वाले में एक सूत्र जाना था, कौन सा, अचो यणती, क्योंकि इंडियंत है नहीं, जिसमें इत है तो उसके अच को क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अब मैं सूत्र दोबारा नहीं लिखूंगा उसको, तो ये हमें पता है मृग का आर हो जाता है, तो ये बन जाएगा मार्ग इस तरह से, या आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब ये रा जो है इसके ऊपर चला जाएगा, मार्ग हलंत लगा है इसमें, ध्यान रखना हमको, और या अब हलंत के ऊपर ये रा लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है ये हमेशा पूर्ण के स्वर के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा जो गा है तो ये ऐसे बन करके यू बन जाएगा, मार्ग बन गया। अब मार्ग बन गया, इसको मैं यहां से हटा दूं तब समझ में आएगा सही से, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो जो मार्ग है अब इसको वही फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और जो भी प्रयोग होंगे इसमें मार्गहा सीधा इसमें प्रयोग कर लिया जाएगा। तो यहां कैसे ये आर बना, अचो यणति एक सूत्र है उसके द्वारा, इसके जो अच है उसको वृद्धि आदेश हो गया है, तो उर्णप्रहा वगैरह सूत्र लगने के बाद वृद्धि हो जाएगी और ये मार्ग बन जाएगा। तो मृज को हमने उसमें क्या जाना, इस तरह से ये पूरा प्रयोग किया जाता है। तो मृज के हमने नेत में दोनों चीजें जान ली, क्री के जरिए भी जान लिया और मृज के भी जरिए जान लिया, ये दो ही सूत्र हैं, इसमें चजो को घृण्यते हो अचो इण्यति, इन दोनों सूत्रों को जानना है, तो इसमें इतना ही है। अब हल धातु इसमें रह गई है, हल धातु से क्या तात्पर्य है, री और हल, हलंत जो धातुएं हैं उनके साथ में नेत प्रत्यय होता है। हलंत क्या है, जैसे पट है, पट धातु में नेत प्रत्यय लगेगा, पट क्योंकि हलंत है, ठा में हलंत है, वैसे मृज भी हलंत धातु के अंतर्गत भी मान सकते हैं, उसके उपधा वाली भी मान सकते हैं, दोनों के अंतर्गत माना जा सकता है उसको। तो ये पट धातु है, इसका ठा है, ठा हलंत है, तो पट का ये या बचेगा, हमें अचो इण्यति अभी जाना है सूत्र, उससे क्या होगा, उसको अच है उसको वृद्धि हो जाएगी। अच किस में है, पा में है, तो पा में आ है, आ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाठ और या, बराबर क्या बन जाएगा, पाठ, पाठ बन गया, और इसमें प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, फिर सु का आदेश हो जाएगा, फिर सु का सा बचेगा, खर विसर्जन विसर्जन से इसको विसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा ये पाठ्य, इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाएगा।
आपको जो भी आए बस इन दो तीन सूत्रों के अंतर्गत ही आपको दिमाग में बिठा लेने, फिर आपको गलती होगी ही नहीं। ऐसे ही प्रयोग करते चले जाना जल्दी जल्दी जल्दी। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अब मैं इनको थोड़ा सा ऊपर वाले जो भी हैं उनमें के प्रत्यय और तब यानी जो हमने पहले जाने हैं उनको मैं प्रयोग करके पूरा वाक्य शब्द बनाने का है थोड़ा प्रयास करूंगा, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये तो दोबारा से रिपीट नहीं होते, क्योंकि इनमें तीनों में या है, वो कैसे नहीं होते वो मैंने पहले वीडियो में शायद कृत्य वाले में वो समझाया है आपको, मेरे प्रथम वीडियो से देखना होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें परिभाषा सूत्र लगता है, परिभाषा सूत्र सबको किस किस को रोकता है, किस किस को प्रयोग करने देता है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। इसमें मैं सब मिटाए दे रहा हूं क्योंकि अब हमको केवल शब्द को जानना है। हमने जाना था कि इण है ये, इण धातु से क्या होता है इत्य को जान लिया था, के प्रत्यय लगने पर क्यप तब्यत तब्य दोनों मान लेना है, यहां पर तब्य बचता है ना दोनों का, तब्य तब्य का तब्य बचता है और अनियर का अनिय बचता है, इसलिए अनिय लिख दूंगा मैं। इसको हम प्रयोग करते देख लेते हैं। तो इण का क्या हो गया था इत्य, लेकिन तब्य लगेगा तो तब्य में हमें पता है इसको तो किंति चा सूत्र ने इसको वृद्धि होने से रोक दिया था, लेकिन यह वृद्धि और गुण दोनों होता है तो बन जाएगा ये ए तब्य, ई का ए हो जाएगा है ना, ए तब्य। और ये ई का जो आ बाद में है ए आ है अयनीय, क्या बन जाएगा ये ई का ए, ए का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा ना, अयनीय, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगा है इस्तु, प्रयोग कर दिया जाएगा, स्तुत्य हुआ था इसका, स्तुत्य इसका हो जाएगा इस्तो, क्योंकि ऊ है ऊ का ओ हो जाएगा स्तुतव्य, यहां ओ हुआ ओ को अब हो जाएगा एच ओ आया वाई आवा सूत्र से, याद रखना यहां पर भी एच ओ आया वाई आवा सूत्र लगा है, आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये संध्या बहुत ही प्रयोग की जाती है। मैंने बताया संध्या और संज्ञा प्रकरण आपको कंठस्थ कर लेना है, प्रत्यय में बहुत संधि को स्पेशल समझाने का कोई औचित्य नहीं है व्याकरण में, व्याकरण को संधि से अलग से पढ़ा ही रहे हैं, ये तो प्रत्ययों को पढ़ाया जाना चाहिए और प्रत्ययों के माध्यम से संधि अपने आप से समझ में आ जाती है। ये प्रत्ययों में शब्दों में तो प्रयोग होती है और शब्द बनते हैं प्रत्ययों से, इसलिए संधि का प्रयोग किया गया। हम संधि तो अलग से पढ़ते ही है, उसका कोई खास मतलब नहीं है, तो बन जाएगा स्तवनीय, स्तवनीय। ठीक है, आगे है शास, शास का क्या बना था शिष्य, इसमें बन जाएगा शासितव्य या शासनीय है ना। आगे है व्री, वृत्ति बना था इसका, इसमें वरितव्य, इसमें दो चीज दोनों प्रयोग हो जाते हैं, इसमें वरितव्य का भी प्रयोग होता है, वरितव्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ये बन जाएगा वर्णीय, अनी है ना प्रणा हो जाएगा वर्णीय। आगे है द्री, द्री को बनाया था हमने आदृत्य, अभी जाना है तो ये आ, क्योंकि री है री का आर हो जाएगा गुण हो जाएगा तो आदृतव्य और आदरणीय, आदरणीय। ठीक है, अब बचा जुष, जुष में जुष्य बना था तो इसमें जोशी तब्य, इसमें बन जाएगा जोषणीय। अन्य प्रत्यय तो बहुत ही सरल है, जो भी धातु है जैसे पट धातु है हलंत वाली धातु में तो सीधे सीधे अन्य लगा दो बन जाएगा ये पठ, क्योंकि इसमें आ इसमें आकर के मिल जाएगा पठनीय खादनी खादनीय लेखनीय, इस तरह से उनमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये जानेंगे। अब अगली बार जब भी हम प्रयोग करेंगे तो इनके रूप कैसे चलते हैं, राम की तरह चलते हैं, कुछ के ज्ञान की तरह चलते हैं, सरित की तरह चलते हैं, किस किस की तरह चलते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है
हमारा आज का वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपको न समझ आया हो या कोई हमारे इस चैनल से कोई भी आपको दिक्कत हो कि आपको समझाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, समझने में हमें समझाना नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा सा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं, जिससे हम आगे अपने में सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही।